किशनगंज शरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला परिषद उपाध्यक्ष पद का चुनाव करवाया, जिसमें अशरफुल हक निर्विरोध निर्वाचित किए गए। गौरतलब है कि जिला परिषद उपाध्यक्ष का पद मोहम्मद इसराइल के असमय निधन की वजह से रिक्त था, जिसके बाद बीते दिनों चुनाव हुआ था जिसमें उनके पुत्र अशरफुल हक विजयी हुए थे। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवाया गया जिसमें अशरफुल हक निर्विरोध निर्वाचित किए गए, जिसके बाद समर्थकों ने उन्हें फूलमाला से लाद दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिता के अधूरे कार्य को वो पूरा करेंगे। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष नुदरत मजहबी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि हम सभी लोग मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। जबकि जिप सदस्य प्रतिनिधि इमरान आलम ने कहा कि सभी सदस्यों ने अशरफुल हक को निर्विरोध निर्वाचित कर उनके मरहूम पिता को श्रद्धांजलि देने का कार्य किया है कि हम सभी लोग एकजुट हैं। पार्षद की तरफ से उनके ही औलाद को पहले तो मैं हमारे भाई छोटे भाई अशरफुल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनको हमारे सारे 18 जिला पार्षदों ने उन्हें निर्विरोध घोषित करते हुए उन्हें चुनाव जिताया है, और ये हम सब के लिए बल्कि पूरे जिले के लिए एक मैसेज है कि उनके पिताजी इस दुनिया से चले गए थे कार्यकाल के दौरान ही, हम सब ने मिलकर के उनके पिताजी को ये श्रद्धांजलि दिया है। पूरे जिले के लिए एक मैसेज देने का काम किया है कि हम सब एक हैं और एक होकर के रहेंगे और जिले का विकास के लिए। चुनाव था सबसे पहले मैं अशरफुल भाई को मुबारकबाद देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिलकर आगे काम करेंगे और अपना जिला के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे।